का जो हमारी डिमांड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। सबसे पहले मैं वाक्य पे आऊँगा। जम्मू यूनिवर्सिटी एक हाईएस्ट टेंपल ऑफ लर्निंग माना जाता है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र है उनका काम है पढ़ना और प्रोफेसर का काम है पढ़ाना, पर इसका जो सारा इवेल्युएट होता है वो रिजल्ट्स पे होता है। पर जब उसी सारे सिस्टम में अगर कोई ऐसी वाकया ऐसा मतलब कुछ करप्शन की या बोला जाए या कोई घोटाले की बू आने लग जाए तो जाहिर सी बात है छात्र जो है आहत होंगे। और मैं सीधा सीधा बताऊंगा जो पिछले दिनों में जम्मू दस्तक और दैनिक जागरण में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया कि जांच कमेटी जम्मू यूनिवर्सिटी ने गठित की है। अगर वो जांच कमेटी गठित की थी जम्मू यूनिवर्सिटी में वो किस लिए जांच कमेटी गठित की थी और उस जांच कमेटी का रिजल्ट अभी तक आया क्यों नहीं? मेरी गवर्नर साहब से सीधा सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से डिमांड है कि उस कमेटी के ऊपर मतलब इस जो पूरा भी वाकया हुआ है इसको जो है सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। और दूसरी हमारी डिमांड थी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर परमानेंट पोस्ट के लिए, यहाँ तक कि देखा गया डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और बड़ी सारी पोस्ट है जहाँ पर परमानेंट कोई भी इम्प्लॉय नियुक्त नहीं है, वहाँ पर जो है एक परमानेंट इम्प्लॉय नियुक्त हो जिससे इसका खामियाजा जो है छात्रों को भुगतना पड़ता है। तो मेरी एक मीडिया के माध्यम से डिमांड है, आप इसमें इंटरव्यू करें और गवर्नर साहब से भी मेरी डिमांड है कि इसमें इंटरव्यू करके और कमेटी बनाकर सो दैट इसमें प्रॉपर जाँच हो। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।